से आज राजधानी में 18वीं प्राचीन श्री जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। यात्रा परेड ग्राउंड से शुरू होकर गांधी पार्क, घंटाघर, पल्टन बाजार, दर्शनी गेट, महाराजा अग्रसेन चौक होते हुए हरिद्वार रोड पर पहुंची, जिसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड ग्राउंड से पूजा अर्चना कर रवाना किया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जितने भी हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, ये समाज को जोड़ते हैं, समाज को एक करते हैं, एकता का संदेश देते हैं और सबके लिए शुभ और आशीर्वाद के लिए त्यौहार होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की आज जो यात्रा यहाँ पर निकल रही है, उनका आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी मेरी आज भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है। रविवार को मकर संक्रांति पर्व पर जगह जगह विभिन्न संस्थाओं की ओर से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जहां लोगों को खिचड़ी का प्रसाद वितरित कर पुण्य अर्जित किया गया, वहीं नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटे अधिकांश सियासी सुरमाओं ने इस मौके को दोनों हाथों से लपकते हुए विभिन्न स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक तीर से दो शिकार की कहावत को चरितार्थ कर दिखाया। लगभग 16 वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है, इसमें जो है नगर की सभी प्रमुख लोग इसमें अपनी भागीदारी करते हैं और लगभग ये समझ लो नगर के प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक समाज के व्यक्ति का इसमें पूरा सहयोग रहता है। हर व्यक्ति यहाँ पर आपकी श्रद्धानुसार आता है, प्रसाद भी पाता है और पूरा योगदान भी देता है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने 3 तलाक के साथ साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में जमीयत उलेमा के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना जमील ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश है कि माइक उतार लिए जाए, उसके सिलसिले में बैठक की गई। आज जो हमारी मीटिंग है ये जमीयत उलेमा की, एक तो जो हाईकोर्ट का आदेश कि माइक उतार लिए जाए सिलसिले में, परमिशन के सिलसिले में है कि भाई सभी लोग जो है अपनी अपनी मस्जिदों में जाएं और जाके परमिशन ले लें, जो भी उसका तरीका है परफॉर्मा जाकर जमा कर दे, उसको वकील से भरवा कर या जैसे ही भरा जाए उसको भरवा कर एसडीएम साहब के यहाँ जमा कर दे, जिससे कि हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, 3 तलाक का मसला ये मुसलमानों का मसला है, इसको मुसलमान ही बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। ये 3 तलाक हमारे मजहब ने हमको इजाजत दी है 3 तलाक की, इसमें हम हुकूमत की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर 3 तलाक पर हुकूमत 3 साल की सजा तय करती है तो जो 7 फेरे लेकर शादी के बंधन को नहीं निभाते हैं उनको 7 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसे 20 लाख औरतें जो है दर बदर की ठोकरें खा रही है, सिर्फ प्रधानमंत्री को मुस्लिम औरतों का ख्याल है, उन हिंदू बहनों का ख्याल नहीं है।